हे गाइस, दिस इज़ टेना फुटबॉलर। वेलकम बैक टू अ चैनल। आज मैं आपको पांच ट्रायल अपडेट दूंगा। ये लगभग हर एज क्राइटेरिया वाले ट्रायल निकले हुए हैं, कई सारे स्टेट्स में ट्रायल निकले हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शायद आपके स्टेट में भी कोई ट्रायल फंसे तो प्लीज़ उस ट्रायल में जाने की कोशिश करिएगा। तो बहुत ही अच्छे पाँचों के पाँचों ट्रायल हैं, तो उनके बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले देखिए, आप लोग कई सारे स्टेट्स के ट्रायल्स के वीडियो मांगते कि इस स्टेट का ट्रायल का बताओ, इस स्टेट का बताओ, तो मैं कई बार कवर भी करता हूँ। लेकिन क्या हुआ, पिछले वीडियो में मैंने किस स्टेट्स को कवर किया, लेकिन फिर भी उसी स्टेट का ट्रायल पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाती। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। आपके स्टेट में ट्रायल नहीं करते, फिर भी आप उसी स्टेट का ट्रायल कमेंट में पूछते हैं, तो ये थोड़ा गलत है। आप वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको तभी पता चलेगा कि आपके स्टेट में भी ट्रायल निकला हुआ है। तो खैर छोड़िए ये सब। जो पहला ट्रायल अपडेट है वो साउथ मुंबई यूनाइटेड एफसी का है। ये लोग एमएफए वाईपीएल ट्रायल कंडक्ट करा रहे हैं। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कंडक्ट करा। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो अंडर 17, अंडर 15 और अंडर 13 रखी गई है। इसकी जो डेट है वो 23, 26, 28 और 30 तारीख को रखी गई है। ये अप्रैल अप्रैल मंथ का बता रहा हूँ। इसका जो वेन्यू वो कर्नाटक ग्राउंड चर्च गेट मुंबई में है। जी हाँ, तो मुंबई के कई लोगों ने ट्रायल पूछे थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका नंबर मैं आपको मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रायल अपडेट है वो डिसूजा फुटबॉल एकेडमी का है। इसकी जो एज क्राइटेरिया है अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13 और अंडर 15 रखी गई है। अंडर 7 का बॉर्न 16 और 17 का होना चाहिए, अंडर 9 का 2014 और 2015 का होना चाहिए, अंडर 11 का 2012, 2013 का बॉर्न होना चाहिए, अंडर 13 का 2010, 2011 होना चाहिए, अंडर 15 का 2008, 2009 होना चाहिए। इसकी जो डेट है वो 24 अप्रैल है। वेन्यू अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर। इसमें थोड़ा एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई प्लेयर्स के लिए ही है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके अलावा तीसरा ट्रायल अपडेट ड्रीम यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी का है। इसकी जो एज क्राइटेरिया वो 16 साल से 21 साल तक, मतलब सीनियर्स के लिए भी ये ट्रायल है। तो कई लोग मुझसे सीनियर्स के भी ट्रायल मंगाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो डेट है उसी के हिसाब से लोकेशन बांटी गई है। पहली जो डेट है वो 26 तारीख की ये सिलीगुड़ी में होगा। इसका जो वेन्यू वो दागापुर ग्राउंड है। फिर उसके बाद 27 को है, फिर ये होगा कुरशोंग। इसकी जो वेन्यू है वो चंदमार ग्राउंड में, देखिए प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए गलत हो सकता है। फिर उसके बाद 28 तारीख को, 28 अप्रैल को ये कलिमपोंग, इसका जो वेन्यू है मेला ग्राउंड है। इसकी जो टाइमिंग है वो 7 बजे, हर लोकेशन में सेम टाइमिंग है हर डेट में। इसकी जो फ़ीस है रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो 100 रुपये है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो चौथा ट्रायल अपडेट है वो असम वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी। तो असम के लिए भी कई लोगों ने मुझसे ट्रायल मांगे थे, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए कंडक्ट करा रहे हैं। इसकी जो एज क्राइटेरिया वो अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 21 प्लस सीनियर, मतलब 21 साल से भी ज़्यादा वाले इसमें एलिजिबल है। तो बहुत ही अच्छा चांस है, मिस मत करिएगा। देखिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेस्ड ट्रायल है, तो आपको अगर ट्रायल में सेलेक्ट होते तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसमें आपको पार्टिसिपेट करने में, मतलब अगर आप सेलेक्ट होते तो आपको क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी लीग खेलने का मौका मिल सकता है। देखिए AIFF एलाइट लीग मिल सकती है, बेबी लीग खेलने, आई लीग खेलने का मौका मिल सकता है, सुब्रतो कप, नेशनल लीग, असम लीग। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देगी ये अकेडमी। इसकी जो डेट है वो 24 अप्रैल को है, टाइमिंग सुबह के 8 बजे, वेन्यू चांगसरी फुटबॉल ग्राउंड गुवाहाटी असम में है। तो डेफिनेटली आप जाइएगा। देखिए इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 199 रुपये, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में एक ही लगेगा। मैं आप लोग नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसको ट्रायल में जाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, जैसे आईडी प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जा सकते हैं, तो इस ट्रायल में आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा पाँचवा जो ट्रायल अपडेट है वो डेलिशा एफसी का है। ये राजस्थान लीग के लिए ट्रायल कंडक्ट करा रहे हैं। तो मुझसे कई लोगों ने राजस्थान के लिए भी पूछा था, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोग के लिए भी है। इसकी जो डेट है वो 23 तारीख की है, टाइमिंग 4 बजे शाम के, वेन्यू इसका डेलिशा एफसी आदर्श नगर बागर झुंझुनू राजस्थान। देखिए प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑल राइट गाइज, यही थे वीडियो, यही थे 5 ट्रायल।
तो अगर किसी में भी आप अगर एलिजिबल हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जाइएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोग के लिए। और अगर आपके आसपास कोई दोस्त इन सब में रहते हैं लोकेशन में, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।